हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोई भी किसी भी तरह का डिस्कशन के लिए प्रपोजल लाने से पहले एक मोशन लेके आना पड़ता है कि हम ये बात करना चाह रहे हैं। आप ऐसे बिल्कुल खड़े होके कोई भी डिस्कशन स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले एक मोशन बनता है। तो ये मोशन हमारे लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट में दे रखे हैं। ये हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के एक पार्ट है कि किस तरीके से पार्लियामेंट वर्क करेगी। और बहुत टाइम पे ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इनका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आज हम ये सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। वी विल बी स्टडिंग अबाउट कि कितने तरह के मोशंस होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मेरा नाम संतोष है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_buddha के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ पार्लियामेंट में कोई भी चीज़ अगर निकलती है, या लेजिस्लेटिव प्रपोजल हो या पॉलिसी हो, उस पर बहुत कंसिडरेशन होता है, वोटिंग होती है। वैसे इन जनरल लाइक आइडियल सिचुएशन यही होती है कि उस पर बहुत डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, पार्टी कुछ बोलेगी, ऑपोजिशन कुछ बोलेगी, उसके बाद में उस पर वोटिंग होती है और फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें जो भी लेजिस्लेचर एक्सप्रेशंस, जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो हमारे MPs होते हैं, MLAs होते हैं, वो इस तरीके से एक मोशन पास करते हैं, एक प्रपोजल पास करते हैं कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो मैटर हैं उनको पार्लियामेंट में लाया जाए। देखिए, पार्लियामेंट पे सबकी निगाहें रहती हैं। पार्लियामेंट एक ऐसा हमारा एरिया है जहाँ पे अगर किसी भी तरह का डिस्कशन होता है तो सारे कैमरा, सारे जर्नलिस्ट, सारे TV चैनल्स वहाँ पे लगे हुए रहते हैं। तो अगर कोई भी पार्लियामेंटेरियन या कोई भी MP अगर किसी भी तरह का इम्पॉर्टेंट इश्यू रेज करता है तो वो ना सिर्फ पार्लियामेंट में पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनता है बल्कि हमारे पूरी कंट्री में पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है। ठीक है, जैसा कि आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा भी होगा, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये आप ऐसे मान लीजिए कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ पार्लियामेंट कि वो डिस्कशन लेके आए, इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे बात करें, गवर्नमेंट का ध्यान खींचें, मीडिया का ध्यान खींचें, लोगों को बताएं इस बारे में। तो ये डिसीजन एंड डिस्कशन मेकिंग का एक पार्ट है। तो मोशन हम फॉर्मली किसको बोलेंगे? अ मोशन इज अ फॉर्मल प्रपोजल आस्किंग द हाउस टू टेक सम एक्शन। ये होता है मोशन। एक फॉर्मल प्रपोजल कैसे दिया जाएगा? मान लीजिए कि कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं किसी और उस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो दिस इज़ अ सीवियर मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो ऐसे में एक ग्रुप ऑफ MPs या फिर एक इंडिविजुअल MP भी अपना एक मोशन, यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर या चेयरपर्सन, उनको ये एक मोशन प्रपोज करेंगे। फिर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। वो बताएंगे कि हाँ, ये वाकई में मैटर ऑफ, अभी आप बोलोगे कि हमारे गांव में वो रोड सही नहीं है, वो उधर बहुत उसके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। नाउ दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक जनरल इम्पॉर्टेंस, ये एक पर्टिकुलर एरिया की छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको आप सिविल इंजीनियर को बात करके अपने हमारी उसको करके रिजॉल्व कर सकते हो। दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू नीड टू डिस्कस इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में डिस्कस करने लायक है या नहीं है, क्या ये एक जनरल मैटर ऑफ इम्पॉर्टेंस है, तो फिर उसको अप्रूव करा जाएगा और फिर उस पर डिस्कशन हुआ जाएगा। तो ये मोशन होता है। तो जनरली जो मोशंस होते हैं जो मेंबर्स रेज करते हैं वो तीन तरह के होते हैं, सब्सटेंसिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्साइडरी मोशन। तीनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो मुझे भी होता था। सब्सटेंसिव मोशन का मतलब क्या हुआ कि अपना खुद का सब्सटेंस है, अपना खुद का भार है उसका, इट इज़ अ सेल्फ कंटेंड इंडिपेंडेंट प्रपोजल, किसी और पे रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल अलग एक प्रपोजल सबमिट करा गया है, चाहे वो प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन के रिमूवल के लिए हो। इस तरह का अगर एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रपोजल डाला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे, वो होता है सब्सटेंटिव। ओके, उसका खुद का अपना इंपॉर्टेंस है, इंडिविजुअल है, दैट इज सब्सटेंटिव मोशन। ओके, सेकंड है सब्सटिट्यूट मोशन। सब्सटिट्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको वो चाहिए, एक सब्सटिट्यूट चाहिए। सब्सटिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि हमको एक आदमी साइड में हमारी हेल्प करने के लिए चाहिए, इट इज मोर लाइक एन हेल्पिंग थिंग। तो ये मोशन
ओरिजिनल मोशन के सब्स्टिट्यूट में पास करा जाता है, ओरिजिनल मोशन जो पास करा गया है उसके सपोर्ट में प्रपोज करा जाता है और एज एन अल्टरनेटिव प्रपोज करा जाता है। तो कि जैसे मान लो, जैसे हम बोलते हैं हमारी सब्स्टिट्यूट टीचर है, राइट, तो आपको एक मैथमेटिक्स की मैम पढ़ाती थी, मैम छुट्टी पे चली गई या फिर मैम सही नहीं पढ़ा रही है, तो प्रिंसिपल एक सब्स्टिट्यूट टीचर लेके आएगा। वो सब्स्टिट्यूट टीचर आपको चेक करे, आप देखेंगे कि अच्छा हाँ ये मैम पहले वाली मैम से ज़्यादा अच्छा पढ़ा रही है, तो इन मैम को रख लेंगे, पहले वाली मैम को हम निकाल देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट मोशन होता है, ओरिजिनल मोशन के सब्स्टिट्यूशन में आता है एज एन अल्टरनेटिव। अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो पुराना वाला जो मोशन है उसको रिजेक्ट कर देंगे और ये वाला मोशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, दैट इज सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्साइडरी मोशन क्या होता है? सब्साइडरी मतलब जैसे साइड किक है, इट इज अ साइड किक, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है एंड इसका अपना, इट कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन और प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। ऐसे समझो किसी मूवी के अंदर एक मेन एक्टर होता है और उसका एक साइड किक फ्रेंड होता है, साइड किक फ्रेंड का अपना कोई रोल नहीं है लेकिन जहां पे भी वो फ्रेंड जाएगा वहां पे वो जाएगा, तो ये ओरिजिनल मोशन के साइड में आता है, कोई अपना खुद का इसका मीनिंग नहीं होता है। तो सब्साइडरी में भी तीन तरह के होते हैं। पहला होता है एंसिलरी मोशन, एंसिलरी मतलब इंपॉर्टेंट, प्राइम है, नॉर्मल है, तो ये जो रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग होता है डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस के लिए उसके लिए यूज होता है, इट इज एंसिलरी। सुपरसीडिंग, सुपरसीडिंग का मतलब क्या हुआ कि आप कोई एक डिबेट कर रहे हो, मान लो कि आप डिबेट कर रहे थे इंडिया में रेलवे के सिचुएशन के लिए, अभी एक नया मोशन लाया गया है उसमें हम बात कर रहे हैं फार्मर्स के सिचुएशन पे, तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि क्या ये जो नया सुपरसीडिंग मोशन लाया गया है इज इट मोर इम्पोर्टेंट, दूसरे इशू पे डिबेट स्टार्ट करने की बात कर रहा है। अगर इस सुपरसीडिंग को हाँ बोल दिया गया तो ये पुराने वाले इशू को नीचे दबा देगा और इस फार्मर्स के इशू पे बात होना स्टार्ट हो जाएगा। अमेंडमेंट का मतलब क्या हुआ? अमेंडमेंट का मतलब आप जानते हो, बदलाव। तो अगर किसी एक ओरिजिनल मोशन है उसके अगर छोटे से पार्ट में या उसके किसी सब्स्टिट्यूट में अमेंड करना है तो उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट मोशन। ये तीन इंपॉर्टेंट टाइप के मोशन है। इसके अलावा देखो कुछ नाम होते हैं, जैसे कि क्लोजर मोशन हो गया। क्लोजर मोशन नाम से पता चल रहा है, क्लोजर, क्लोज करो, बस हो गया, बहुत डिबेट हो गया, अभी बंद करो। तो ये मोशन एक मेंबर के द्वारा तब मूव करा जाता है जब उनको डिबेट को कट शॉर्ट करना हो, कि बहुत डिबेट हो गई है, अभी इसको और ज्यादा खींच के आप 2 महीने भी चला सकते हो लेकिन अभी हम इसे कट कर सकते हैं। तो ये मोशन अगर हाउस के द्वारा अप्रूव हो जाता है तो डिबेट रुक जाती है और उस पर वोट लग जाता है। जब हमने बजट कैसे प्रोसीज होता है उसमें पढ़ा था, तो मैंने ग्लिटनी करके एक पढ़ाया था कि ग्लिटिन होता है ना, उसमें हमने क्या रखा था कि बजट पूरा डिस्कशन हो रहा है, टाइम हो गया है, फिर ग्लिटिन कर दिया जाएगा कि हो गया, जितना डिस्कशन हो गया था होना था, अभी उसको वोटिंग पे रखो। तो वो भी एक क्लोजर मोशन का टाइप है लेकिन वो बजट के लिए होता है, क्लोजर मोशन नॉर्मल डिबेट्स के लिए होता है। सिंपल क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि बस कोई भी एक मेंबर जो है वो बोलेगा, वो एक मोशन डालेंगे, प्रपोजल डालेंगे कि सर इस पर बहुत डिस्कशन हो चुकी है, अब हम इसको वोट करते हैं। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब ब्लॉक्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक बड़ा बिल आया, बिल के हर सेक्शन में डिस्कशन होता है, हर सेक्शन पे डिस्कशन होता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे डिस्कशन हो चुका है या उस पर डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं लगती है तो सिर्फ क्लोजर बाय कंपार्टमेंट चलाया जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्लोज ऑफ द बिल या ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इस पे हो चुकी है डिबेट, इस पे वोट कर दो। पर्टिकुलर पार्ट पे वोट होगा, पूरे पे वोट नहीं होगा, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट पे। कैंगरू क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि पूरा बड़ा बिल है, ठीक है, पूरे बड़े बिल में आपने बोला कि सर इस पे बिल पे डिस्कशन करने में 4 महीने लग जाएंगे, बाकी पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है वो रुक जाएगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, बिल में देखेंगे कि भाई ये क्लोज हमारे इंपॉर्टेंट है, इन क्लोज पे आप डिबेट करो, डिस्कशन करो, फिर वोट कर लो। तो ये होता है कैंगरू। कैंगरू जैसे जंप करता है ना, वैसे इसमें जंप करेंगे हम इंपॉर्टेंट क्लोज पे, वो हुआ हमारा इंपॉर्टेंट क्लोजर मोशन। और ये हमारा ग्लिटनी है जिसको हमने पढ़ा था कि जो अनडिस्कस्ड क्लोज होते हैं बिल के रेजोल्यूशन के उनको वोटिंग पे डाल दिया जाता है। फिर होता है हमारा एक प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज का मतलब है कि हम बोलते हैं ना, भाई तुमको तो बहुत प्रिविलेज मिला हुआ है, तुमको तो बड़ी सुविधाएं मिली हुई है, तो ये प्रिविलेज है।
तो पार्लियामेंट में एमपीज को भी प्रिविलेज मिला हुआ होता है, उनको इंडिविजुअल प्रिविलेज होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है। अगर उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है और अगर किसी ने वो प्रिविलेज अपनी वो जो सुविधा है उसका मिसयूज करा है, अगर उसको ब्रीच करा है, तो उनको एक उन पे एक प्रिविलेज मोशन चलाया जाता है। तो ये जनरली जिसने ये नोटिस करा है, जिसने अगर पार्लियामेंट की, हम जो बोलते हैं कि पार्लियामेंट के खुद के अपने रूल्स होते हैं उसकी उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पार्लियामेंट की शोभा को अगर भंग ना करा जाए, पार्लियामेंट की शोभा मतलब यू नो लाइक द डेकोरम ऑफ द पार्लियामेंट, और अगर आपने इस तरह का कोई एक्ट करा है जो इसको इसको इंसल्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आपको आता है प्रिविलेज मोशन। तो कोई एक मेंबर मूव करता है प्रिविलेज मोशन जब उसको लगता है कि किसी मिनिस्टर ने कोई प्रिविलेज का ब्रीच कर दिया है, इट हैज़ ब्रीच्ड सम प्रिविलेज, और बाकी या अगर कुछ ऐसा रॉन्ग कर दिया है या उन्होंने गलत फैक्ट बता दिए, जैसे उनसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन R0R में, और अगर उन्होंने किसी तरह का गलत फैक्ट बता दिया है, तो ये फिर प्रिविलेज मोशन उन पे लाया जाता है कि इन्होंने जो डेकोरम ऑफ पार्लियामेंट है, डेकोरम ऑफ पार्लियामेंट आई वाज ट्राइंग टू से कि डेकोरम ऑफ पार्लियामेंट को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। ऑल्सो इट इज प्रपोज्ड टू सेंश्योर द कंसर्न्ड मिनिस्टर। सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इफ यू हैवंट वॉच उसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा सेंश्योर ऑफ कंसर्न्ड मिनिस्टर का मतलब क्या है। देन कॉलिंग अटेंशन मोशन, नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर कोई भी एक पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो ये कॉलिंग अटेंशन मोशन प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, ताकि कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर या कोई अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है उनके द्वारा उस मैटर पे, उस पे पार्लियामेंट का या मिनिस्टर का ध्यान अट्रैक्ट कर सके। नाम से पता चल रहा है बट पॉइंट ये है कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है ये, तो ये ना 0R की तरह होता है ना, 0R भी हमने डिस्कस करा है, क्वेश्चन R में अभी आ जाएगा। सो इट ये इंडियन इनोवेशन है, ठीक है। जैसे मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, प्लीज डोंट लाफ ओवर दैट। सो जैसे हमको किसी को बुलाना होता है तो हम जोर से आवाज लगा के बुलाते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका अटेंशन सीक कर रहे हैं ना। ये चीज जनरली आपको बाहर नहीं दिखेगी यूरोपियन कंट्रीज में, दिस इज अवर इंडियन इनोवेशन कि हम जोर से बोलेंगे, फिर हमारा पड़ोसी भी उसको जोर से आवाज लगाएगा ताकि उसको जोर से सुनाई दे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन इज समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अटेंशन सीक कर रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनो, ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, इस पे बात हमारी सुनो। तो ये भी इंडियन इनोवेशन है, 1954 से इसको एक्सरसाइज करा जा रहा है। तो फिर है हमारा अडजॉर्नमेंट मोशन। अडजॉर्नमेंट मोशन जो है पार्लियामेंट में इसलिए इंट्रोड्यूस करा जाता है कि जो हाउस है लोकसभा राज्यसभा, उसकी किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे उसकी बात, उसकी उसका जो एक डेफिनेट मैटर है उस पे उसका अटेंशन लेके आ सके। लेकिन इसके अंदर आपको लगभग 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि ये एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है, तो जो नॉर्मल बिजनेस है हाउस का वो हॉल्ट हो जाता है, इंटरैप्ट हो जाता है। इसलिए इसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस मानते हैं कि भाई अगर आप एडजॉर्नमेंट मोशन ला रहे हो का मतलब है कि जो लोकसभा में डे टू डे डेली लाइफ जो चलती है वो हॉल्ट हो जाएगी और सिर्फ उस एक बात पे डिस्कशन होगा। तो क्योंकि ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 50 मेंबर की एडमिशन चाहिए होती है, तो ये और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट एज ए सेंश्योर होता है। तो ये सेंश्योर मोशन पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, इसलिए इसको राज्यसभा में नहीं परमिट करा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एडजॉर्नमेंट मोशन इज ओनली एंड ओनली इन लोकसभा, जस्ट लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन, ओके। और इसमें बहुत ही ऐसे सीधी बात है कि इसका जो डिस्कशन है वो 2.5 घंटे से कम तो होना ही नहीं चाहिए। जब आप बहुत इंपॉर्टेंट बात पे बात करने की अटेंशन सीक कर रहे हो कि मोशन डाल रहे हो, तो 1.5 घंटे 1 घंटे का डिस्कशन नहीं होगा, वो कम से कम 2.5 घंटे आप वहीं पे रहोगे अडजॉर्नमेंट मोशन जब लगेगा तब, और ये राज्यसभा में नहीं होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने पहले भी पढ़ा है, आर्टिकल 75 ने हमको बोला है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हमारी वो लोकसभा में, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे में मिनिस्टर ऑफिस में तभी तक रहते हैं जब तक वो लोकसभा में मेजॉरिटी को एंजॉय करते हैं। जैसे ही लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर डाला जाता है या अगर उसको पास कर दिया गया, तो गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस, मेजॉरिटी गिर जाती है और गवर्नमेंट गिर जाती है। इस मोशन को पास करने के लिए भी हमको 50 मेंबर चाहिए, और इसको भी आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही डाल सकते हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं पास होता है। देन वी हैव द कॉन्फिडेंस मोशन।
जैसे अपोजिशन में किसी ने डाला कि नो कॉन्फिडेंस, हमको सरकार पे भरोसा नहीं है, तो सरकार डालेगी कि हम भरोसा जीतेंगे, तो वो है कॉन्फिडेंस मोशन। तो कॉन्फिडेंस मोशन जो है एक न्यू प्रोसीजरल डिवाइस है कि जैसे कोई अगर फ्रैक्चर्ड, जैसे कोई हंग पार्लियामेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, इस तरह की जब गवर्नमेंट होती है तो मेजोरिटी का काफी क्लैश रहता है, तो उसके अंदर ये जो, और ऐसी गवर्नमेंट जो बहुत ही वाटर थिन, मतलब 2 या 3 MPs की मेजोरिटी से अगर वो चल रही है, तो ऐसे के अंदर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ में वो फ्लोर पे अपनी मेजोरिटी को प्रूफ करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के अपॉन, ये प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब उनको कॉल करता है कि अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करो, तो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, जैसे आज की, अगर मान लो आज की सरकार है, वो अपने खुद पे इस तरह का एक मोशन पास करेंगी जिसमें वो मेजोरिटी सीक करेंगी, और अगर उनको, इसलिए वो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस पास करेगी, और अगर वो जीत जाती है तो इसका मतलब है कि सभा को, लोकसभा को उन पे अभी भी कॉन्फिडेंस है, और अगर नो अगर कॉन्फिडेंस मोशन हार गया, अगर वो रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि उन पे विश्वास नहीं है और सरकार गिर जाएगी। एक होता है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब है कि हम आपको थैंक यू देने के लिए प्रपोज कर रहे हैं। अब MPs में आपस में तो थैंक यू देंगे नहीं, तो थैंक यू किसको देते हैं, हम प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट की पहली स्पीच होती है, जब भी पहला सेशन होता है किसी भी फिस्कल ईयर का, या जनरल आफ्टर इलेक्शंस के बाद में, या बजट से पहले प्रेसिडेंट का एक स्पीच होता है सभा के अंदर। तो वो जो प्रेसिडेंट का स्पीच होता है, जैसे अभी भी हुआ था, आपने देखा होगा कि वो बहुत सारी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में करे थे, कुछ अगर मेजर टॉपिक्स थे तो उनके बारे में वो कुछ बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि एक जनरल डिस्कशन स्टार्ट करता है, ये फिर से मीडिया में, पार्लियामेंट में जनरल डिस्कशन होता है। तो जब ये डिस्कशन खत्म हो जाता है पार्लियामेंट के में, तो एक मोशन पुट करा जाता है कि वी थैंक प्रेसिडेंट। और अगर वो मोशन डिफीट हो गया, अगर मोशन ऑफ थैंक्स डिफीट हो जाता है, दैट इज द डिफीट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गिर जाएगी अगर मोशन ऑफ थैंक्स फिर से डिफीट हो जाता है। इसलिए मोशन ऑफ थैंक्स मस्ट पास इन द हाउस, मोशन ऑफ थैंक्स को पास होना पड़ेगा। गिर गई मतलब नो कॉन्फिडेंस है, हमको सरकार में भरोसा नहीं है अगेन। सो दिस इज अगेन वन डिवाइस। अनदर इज नो डे येट नेम्ड मोशन। नो डे येट नेम्ड का मतलब नाम से पता चल रहा है कि अभी हमने एक मोशन डाल दिया है, एडमिट कर दिया है स्पीकर के पास में, लेकिन कब डिस्कशन करेंगे इसके बारे में ये हमने अभी डिसाइड नहीं करा है, अभी हम देखते हैं। हाँ ठीक है, आपको इस बारे में चर्चा करनी है, कूल आप बैठो, अभी हम डिसाइड करते हैं, अभी हम बताएंगे नहीं कि आप 10 तारीख को चर्चा करोगे क्या इस पे। तो इसके बाद में क्या है कि स्पीकर अपना पूरा हाउस का बिजनेस देखेगा, जो लीडर ऑफ हाउस है उनसे कंसल्टेंट करेगा, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उनसे रिकमेंडेशन लेगा। ये सारे डिस्कशन करने के बाद कोई एक दिन फिर अलॉट करा जाएगा कि अच्छा उस दिन आपका ये जो मोशन है इसका डिस्कशन होगा। फिर है डायलेट्री मोशन। डायलेट्री मोशन क्या होता है, इट इज फॉर द एडजॉर्नमेंट ऑफ डिबेट ऑन द बिल ऑफ मोशन। ये थोड़ा अजीब सा मोशन है। इसमें देखो क्या है कि जैसे बिल पे कोई डिबेट हो रही है और किसी MP ने डायलेट्री मोशन अगर प्रपोज करा है, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि इस बिल या मोशन पे जो डिबेट हो रही है उसको एडजॉर्न कर दो, उसको एडजॉर्नमेंट कर दो, या फिर उसको, उस जो प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस हो रहा है उसको डिले कर दो। सो ये थोड़ा अजीब सा मोशन है डायलेट्री मोशन। इसको इट कैन बी मूव्ड बाय मेंबर एट एनी टाइम आफ्टर ए मोशन हैज बीन मेड। अगर एक बार मोशन आपने बना दिया है तो आप इसको मूव कर सकते हो, लेकिन इसमें यही है कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मैटर तक ही डायलेट्री मोशन जो है वो लिमिटेड रहता है। तो जनरली इसका कम ही सुनने में आता है कि किसी ने डायलेट्री मोशन डाला है क्या, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तो दिस इज इट अबाउट दी मोशंस। अभी आई थिंक आप लक्ष्मीकांत जब पढ़ोगे तो आपको मोशंस में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग इन द मोशंस एटलीस्ट। एंड दिस इज इट। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। अच्छा, पार्लियामेंट में और कौन से ऐसे टॉपिक हैं विच वी शुड कवर, प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो। टेलीग्राम पे इसका PDF डाउनलोड कर लेना। एंड दिस इज इट, आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।